हेलो स्टूडेंट्स आएम सविता गुप्ता है लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर वेलकम इन लर्न विद सविता लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक 2021-22 विषय अंग्रेजी क्लास ट्वेल्थ के लिए जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसमें जो डू एज डायरेक्टेड का पोर्शन है इसका क्वेश्चन नंबर वन से लेकर ट्वेंटी तक का जो सोलूशन uh, है वो इसके पहले के वीडियो में दिया गया है ट्वेंटी वन से लेके 40 फोर्टी तक का सोलूशन इस वीडियो में दिया गया है तो आप ध्यान से इसको uh, पढ़िएगा और ध्यान से वीडियो देख करके सारे के सारे डूएस डायरेक्टेड को सॉल्व कीजिएगा क्योंकि न सिर्फ प्री बोर्ड एग्जाम बल्कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी में से पूछे जाएंगे और खैर नॉलेज तो होना ही चाहिए आपको तो सबसे पहले द हॉर्स इज़ टू फास्ट टू विन द रेस इसको हमको लिखना है टू टू को हटा करके सो so दैट लगाना है तो आप देखिए यहाँ पर ये जो टू है इसकी जगह क्या लगेगा सो so, और इस टू की जगह क्या लगेगा दैट तो आइए देखते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसे बनता है द हॉर्स के बाद आ जाएगा द हॉर्स इज सो टी डबल ओ टू की जगह क्या लग गया सो एडजेक्टिव लगेगा फास्ट दैट अब चूंकि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है इज है तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सेंटेंस हम इसमें क्या लगाएंगे कैन तो ये लगेगा ही कैन विन द रेस नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड ए क्वारल विद माई फ्रेंड लास्ट नाइट है ना तो इसको चेंज करना है हमें पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ड का थर्ड फॉर्म लगता है तो हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ इसमें क्वैरल को क्वैरल्ड कर देना है थर्ड फॉर्म बना देना है ठीक है तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई हैड क्वैरल्ड विथ माई फ्रेंड लास्ट नाइट नेक्स्ट है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ठीक है वॉइस चेंज करना है तो जैसा कि अभी तक बताया गया है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिख करके सेंटेंस के टेंस के अनुसार हम वॉज या वर लगाएंगे मेड है तो यहाँ पर क्या आएगा वॉज चिल्ड्रेन वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड टू लाफ बाई आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगा मी तो हमारा सेंटेंस बना द चिल्ड्रेन वर मेड टू लाफ बाय मी नेक्स्ट हमारा है दिज मैंगोस टेस्ट सावर दिज मैंगोस टेस्ट सावर तो इसमें जो हमारा पैसि वॉयस बनता है ये कैसे बनेगा मैंगोस वर स्वीट कब पता चला कि स्वीट है व्हेन दे आर टेस्टेड देन हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द वेवीमार वेविनार बाई हाउ मैनी पर्सनस हाउ मैनी है तो बाई uh, जो है हाउ मैनी आगे है बाई भी बाई uh, आगे आ करके हाउ मैनी भी आगे आएगा तो और हाउ मैनी के साथ क्या आएगा आगे पर्सन आएगा हाउ मैनी के साथ ऑब्जेक्ट रहता है है ना हाउ मच हाउ मैनी यानी डब्ल्यू एच जितने हैं सब में पर्सन उनके साथ रहता है ऑब्जेक्ट तो बाई हाउ मेनी पर्सन्स वेबिनार के लिए हम क्या यूज करेंगे इज तो बाय हाउ मैनीस इज द वेबिनार बींग अटेंडेड नेक्स्ट है दिस बुक कंटेंट्स हंड्रेड पेजेस ठीक है तो फिर अगेन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ठीक है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे हंड्रेड पेजेस और सेंटेंस हमारा चूँकि प्रेजेंट टेंस का है कंटेंस तो यहाँ पर हंड्रेड पेजेस प्लूरल है यहाँ पर क्या आएगा आर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंटेंड इन दिस बुक ठीक है बाय नहीं आएगा यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा ये क्या होगा इन यूज़ होगा नेक्स्ट आई लिव हियर सिंस ट्वेंटी फिफ्टीन तो हमें क्या लिखना है वर्ब फॉर्म को करेक्ट करना है तो चूंकि यहाँ सिंस आया हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि दिया गया सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हम अगर लगाते हैं तो आई हैव बीन आ जाएगा और लीव के साथ क्या आएगा आई एन जी आएगा तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस ट्वेंटी फिफ्टीन नेक्स्ट दे ऑक्यूपाई ऑल द रूम चेंज इन टू प्रजेंट परफेक्टेंस प्रजेंट परफेक्टेंस हैज याव के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म तो दे हैव ऑक्यूपाइड ऑल द रूम तो हैव ऑक्यूपाइड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ आया हुआ है नेक्स्ट ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ट एट मी तो ये पैसिव वॉयस बना हुआ है लाफ्ट एट हिम हिम ही और सेंटेंस हमारा पास टेंस का है तो वॉज आ गया थर्ड फॉर्म लाफ्ट एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स है ना बहुत सिंपल है ये बनाना पैसिव वॉयस नेक्स्ट है हु टॉट यू फ्रेंच तो हु uh, के लिए यहाँ पर क्या आया हुआ है बाई होम सेंटेंस चूंकि पास टेंस का है तो वॉज़ आया है फिर लिख देंगे फ्रेंच टॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई होम वॉज फ्रेंच टॉट यू ठीक है नेक्स्ट जो है हमारा जम्बल वर्ड दिए हुए हैं इसे रीअरेंज रे करना है तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है जो हमारा शुरू हो रहा है ये कैसे हो रहा है एक्सरसाइज एंशोर्स ए हेल्दियर एंड लॉन्गर लाइफ नेक्स्ट है द होटल वॉज क्वाइट चीप द होटल वॉज वेरी कम्फर्टेबल ठीक है नॉट ओनली बट ऑल्सो को ले करके हमें ज्वाइन करना है तो चीप और कम्फर्टेबल के साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो लगेगा और बाकी जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा है ना तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा द होटल वॉज नॉट ओनली चीप बट कम्फर्टेबल ऑल्सो they did not come to the party they didn't एपोलाइज for it तो इसे हमें नैदर नॉर से जोड़ना है तो आप ये देखिए कि यहाँ पर नैदर नॉर अपने आप में नेगेटिव है तो नॉट हट जाएगा ठीक है और डिड जो है वो यहाँ आ कर केम हो जाएगा और एपोलाइज हो जाएगा ये डिड यहाँ से हट करके है ना तो हमारा जो सेंटेंस है वो किस तरह बनेगा नाइदर दे केम टू द पार्टी नॉर अपलाइज फॉर इट ठीक है देन ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय ए कार तो हमको एक नॉन फाइनाइट क्लॉज लगा करके इसे चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं कि ही सेव्स मनी टू बाय ए कार है ना तो ही सेव्स मनी ठीक है ही सेव्स मनी और इन्फिनेटिव लगा करके बनाएंगे तो वर्व हमारा बाय है इसके आगे टू लगा देंगे तो हमारा क्या बनेगा टू बाय ए कार तो हमारा जो इन्फिनेटिव का नॉन फाइनाइट क्लॉज लगा के जो सेंटेंस नॉन फाइनाइट क्लॉज ये हुआ है ना तो ये लगा करके जो हमारा सिंपल सेंटेंस बना है वो कैसे बना He saves money सेव्स मनी टू बाय ए कार नेक्स्ट आई फेल टू अंडरस्टैंड वॉट आई to टू अराउज हिज फरी इन above सेंटेंस इज ए नॉमिनल क्लॉज नॉमिनल क्लॉज एड्जेक्टिव क्लॉज और एडवर्ड क्लॉज तो ये आ, हमारा क्या है नॉमिनल क्लॉज है इन नाउन क्लॉज हो आर दे आई डोंट नो कम्बाइंड देंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज ठीक है तो नाउन क्लॉज कैसे आई डोंट नो हो आर दे तो हमारा सेंटेंस जो बना है आई डोंट नो हो दे आर ठीक है तो आई डोंट नो यहाँ पर आप एज्यूम करिए कि क्या है इट है तो इट की जगह हमारा ये इट चूँकि एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज कहलाएगा तो हु आर दे की जगह हम इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे हु दे आर तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो हु दे आर नेक्स्ट द एप्पल इज़ टू सॉर टू ईट तो यहाँ पर हमको टू टू को हटा करके हमें क्या लिखना है सो so दैट लिखना है ठीक है तो इस टू की जगह हमारा क्या आएगा सो so आएगा और इस टू की जगह क्या आएगा दैट आएगा ठीक है कैसे आएगा देखते हैं द एप्पल इज़ ठीक है अब टी डबल ओ टू की जगह आएगा सो एडजेक्टिव लग जाएगा हमारा सॉर और टी ओ टू की जगह आएगा दैट ठीक है दैट अब चूंकि टू टू नेगेटिव है इसलिए हमारा सेंटेंस क्या बनेगा इट कैन नॉट बी एटेंड नेक्स्ट हर पेन पुट इंक सम सी इन एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा कैसे बन रहा है शी पुट सम इंक इन हर पेन नॉट मी डेयर डिस ओबे ही इसका भी मीनिंगफुल सेंटेंस जो रीअरेंज करके बन रहा है हे डेयर नॉट डिस ओबे मी नेक्स्ट जो बन रहा है कुड यू वेट फॉर ए फ्यू मिनट प्लीज नेक्स्ट आता है कुड यू लैंड मे योर डिक्शनरी तो इससे सेंटेंस को करेक्ट करना है करेक्ट करने के लिए सिर्फ हम एल ई एन टी को एल ई एन डी में चेंज कर देंगे और हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा कुड यू लैंड मे योर बुक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आई अटेंड योर वेडिंग टमोरो तो ये हमारा बनाना है हमको नॉन फाइनाइट क्लॉज की तरह बनाना है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड योर वेडिंग टूमारो तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा अटेंड योर वेडिंग टुमारो तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हट जाएगा केवल यहाँ पर आई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड योर वेडिंग टूमारो ओके दैन प्रिया लव्स कॉफ़ी प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफ़ी तो नॉन फाइनाइट क्लॉज में बनाना है इनको सेंटेंस हमारा बन रहा है प्रिया लव्स टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी नेक्स्ट द गर्ल वॉज एंजर्ड इन द एक्सीडेंट द गर्ल वॉज टेकन टू हॉस्पिटल दो सेंटेंस दिए हैं और थर्टी uh, एट का ये पहला है एक में आई एन जी लगेगा एक में ई डी लगेगा तो कैसे बनेगा द इंजर्ड गर्ल हमने ई डी लगा करके बनाया हुआ है द इंजर्ड गर्ल इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल ठीक है नेक्स्ट जो सेंटेंस इसका दिया हुआ है वो है ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर ही हि द पुलिस चेसिंग हिम ठीक है तो आई एन जी लगा करके इसको बनाएंगे लुकिंग ओवर हिज शोल्डर ही हि द पुलिस चेसिंग हिम नेक्स्ट है चेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स ग्रुप ऑफ़ द वर्ड टू मेक करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस सेंटेंस बनाना है यानी कि आप समझ लीजिए जम्बल दिए हुए हैं वन टू थ्री फोर करके और आपको एक कंडीशनल सेंटेंस के रूप में इन्हें अरेंज करना है तो पहला जो बना है इफ़ आई वर रिच आउट बाय बेंगलो है ना कंडीशनल सेंटेंस इनकी शर्त रहती है अगर ऐसा होगा तो फिर वैसा हम करेंगे जैसे कि अगर मैं गरी अगर मैं अमीर हुआ तो मैं बेंगलो ख़रीदूँगा है ना तो ये कंडीशनल uh, सेंटेंस होते हैं दूसरा है जो इफ़ यू हैड रिटेन टू मी आई वुड हैव अ टैक्सी फॉर यू नेक्स्ट है इफ़ वी आर टायर्ड वी विल गो टू स्लिप नेक्स्ट इसका आ रहा है इफ वी मैट इफ ही मैट मी आई वुड टेल हिम द ट्रूथ तो ये कंडीशनल सेंटेंस हुए हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर कि चेंज द फॉलोइंग वर्ब इन टू नाउन्स एंड एडजेक्टिव कुछ वर्ब uh, दिए हुए हैं उसको नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कंटिन्यू इसका नाउन फॉर्म है कॉन्टिन्यूसन और एडजेक्टिव फॉर्म है कॉन्टीन्यूस नेक्स्ट दिया हुआ है अट्रैक्ट नाउन फॉर्म है इसका अट्रैक्शन और एडजेक्टिव फॉर्म है अट्रैक्टिव नेक्स्ट जो वर्ब दिया हुआ है रिपेल नाउन फॉर्म है रिपल्सन और एडजेक्टिव फॉर्म है रिपेलेंट नेक्स्ट जो वर्ब दिया हुआ है अटेंड इसका नाउन फॉर्म है अटेंडेंस और एडजेक्टिव फॉर्म है अटेंडिंग और अगला जो वर्ब दिया हुआ है फैसिनेट जिसका नाउन फॉर्म है फैसिनेशन और एडजेक्टिव फॉर्म है फैसिनेटिंग सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन सी डू एज डायरेक्टेड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन बैंक इड बाई लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल सो थैंक्स स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो